भाग दौड़ के जिंदगी में हम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकते तो कौन रख सकते। फिर से ये है औला, अभी सीजन में औला बहुत ही अच्छे अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, तो इस तरह से औला लाए और यहाँ पे जूस बनाए। ये स्टीम वाला जूस है जो कि सालों साल चलेंगे, और ये कच्चे औला का जूस है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हाय फ्रेंड्स, मौसम चेंज हो रहे हैं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी, तो इन मौसम में अच्छे अच्छे औले अभी मार्केट में बहुत अच्छे आए हुए हैं। और देखिए कुछ पके पके औले हैं, तो इनको हम धो करके और साफ कर लिए हैं, कपड़ा से पोंछ लिए हैं। अब हम इनका जूस बनाएंगे। जूस बनाने के लिए यहाँ पर ये मिक्सी जार, और जार में हम देखिए यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। इनको कट करना बहुत आसान है, देखिए बहुत अच्छे से कट कर लिए हम। सारे औला को हम इसी तरह से कट कर लेंगे, सभी औला को हम कट कर लिए हैं। इनका बीज जो है आप देखिए, कोई कोई औला का जो है बीज कट गए हैं, तो ये जो व्हाइट वाले हैं आप चाहें तो इन्हें खा सकते हैं, आंखों के लिए काफी फायदेमंद है, विटामिन सी से भरपूर औला। तो हम इनको अभी बिना पानी लिए पीसेंगे, रुक रुक के पीसना है आपको। तो यहाँ पर हम अच्छे से औला को पीस लिए हैं। अब पीसने के बाद क्या करना होगा कि आपको छान लेना होगा, तो बस बिल्कुल पानी हम इनमें नहीं लिए हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे औला को, इस तरह से दबा दबा करके, देखिए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इनमें से जूस निकल रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से जूस निकलेंगे, ये एकदम कच्चे वाले फ्रेश वाले हैं, तो हम आपको दो तरह के दिखाएंगे, लेकिन अभी तो हम इसी को दिखाएंगे। अच्छे से जूस निकाल ले, आप चाहे तो इनमें ये जो इनका पल्प है इनमें पानी डाल करके और जूस निकाल सकते हैं। तो जूस को हम 1 गिलास में सर्व करेंगे, एकदम ओरिजिनल जूस ये बने हैं। तो ये आधा गिलास है, आप चाहें तो इस तरह के कप में ले सकते हैं। कप में क्या हुआ कि पीने में भी आसान, देखिए भर के 1 कप हुआ है हमारा जूस। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हाफ पिंच लेंगे काली मिर्च, हाफ पिंच लेंगे हम भुना हुआ जीरा पाउडर, इनसे बहुत ही स्वाद टेस्ट। मार्केट वाले क्या होते हैं कि बहुत दिन के बने रहते हैं और पता नहीं थोड़ा कड़वा टाइप के लगते हैं फ्रेंड्स। तो ये जूस हमारा काला नमक लिए हैं, स्वाद के अनुसार आपके जैसे मर्जी हो वैसे ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया से इन्हें सर्व करें, और बस हमारा जूस तैयार हो गया है। अब चलिए दूसरा जूस बनाते हैं। मार्केट जैसा जूस बनाने के लिए हमको मतलब सालों साल रखने वाले यहाँ पे 4 औला को हम उबाल लिए। आप चाहे तो बहुत सारे उबाल सकते हैं, मतलब उबाले नहीं है फ्रेंड्स, स्टीम किए हैं, ये पानी में नहीं गए हैं, तो इसीलिए ये हमारा औला सालों साल चलने वाले हैं। तो इसी जार में हम, जिस जार में हम बनाए हैं जूस, इसी जार में हम औला को इस तरह से कट करेंगे। बिल्कुल आपको स्टीम नहीं करना है, देखिए इस तरह से बस आप करना है। अगर उबाल देते हैं तो इनका सारा जो जितना भी शक्ति होते हैं ना पानी में चले जाएंगे, तो हम पानी में नहीं उबाल के स्टीम किए हैं। ये हम चाहें तो 1 बोतल में भर के सालों साल हम चला सकते हैं औला जूस को। इनमें विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है और शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो कट कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम औला को जो स्टीम किए थे उनको कट कर लिए हैं। स्टीम वाला जो पानी है इनमें हम पानी लेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे जरूरत के अनुसार। जो औला को हम स्टीम करके जूस बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पर बनकर तैयार हो गए। ले लेते हैं फिर से उसी बॉल को, और छन्नी छन्नी में हम छानेंगे इनको अच्छे से, इस तरह से छान लेंगे हम। तो चलिए अब हम 1 गिलास में ले लेते हैं जूस को। तो देखिए ये जूस मार्केट वाला है, मार्केट में इसी तरह से रहते हैं फ्रेश जूस। अब यहाँ पे हम कुछ मसाला लेंगे, तो मसाला में हम लेंगे ये भुना हुआ जीरा पाउडर पूरा, क्योंकि हमको अगर इस तरह से जूस बनाना है तो आपको बता रहे हैं सालों साल रखना है। तो आधा छोटा चम्मच काला नमक, और यहाँ पे लेंगे चुटकी भर हाफ पिंच काली मिर्च, सबको हम इस तरह से मिला देंगे। और अगर हम चाहें कि सफर में ले जाना है तो हम इस तरह के बोतल में भर करके इस तरह से भर लेंगे, बोतल में भर के हम ले जा सकते हैं इस तरह से लेट बन करके। तो यहाँ पर बस ये कच्चे औले का जूस है हमारा, और ये स्टीम किया हुआ औला का जूस है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, शेयर करें व्हाट्सएप पर, शेयर करें फ्रेंड्स। और फिर क्या है, थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।